हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। और मैं दूसरे असुरों को भी भटकाना चाहते हो? तुम्हें तो असुर लोक में आने भी नहीं देना चाहिए। तुम दूसरे असुरों की प्रवृत्ति को भी दूषित कर दोगे। सम्राट असुरों की शान, उनकी आन और उनके मान सम्मान का रक्षक होता है। इसीलिए असुर अपने सम्राट के एक इशारे पर अपने प्राण तक त्याग देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि असुर अपनी आन और बान के साथ जीते हैं, नहीं तो नहीं। आप जानते हैं कि किस प्रकार असुर सम्राट अंधकासुर ने संपूर्ण असुर जाति की मान मर्यादा को देवी गंगा के चरणों में डाल दिया। क्या ऐसा असुर सम्राट असुर लोक की राजगद्दी पर शोभा देगा? कदापि नहीं। जिसका सर देवताओं की ठोकरों में गिर पड़ता है, उस पर असुर लोक का मुकुट कभी शोभा नहीं दे सकता। देवताओं के दास की तो राज सिंहासन पर छाया भी नहीं पड़नी देनी चाहिए। क्षमा करें गुरु श्रेष्ठ, असुरेश्वर अंधकासुर पधार रहे हैं। अंधकासुर? हमें तुम्हारे प्रणाम की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने अपना सर देवी देवताओं के चरणों में झुकाकर हमारा और संपूर्ण असुर जाति का अपमान किया है। अंधकासुर, तुम्हारे जैसा शिष्य कभी किसी गुरु को प्राप्त ना हो। मैंने असुर जाति का कोई अपमान नहीं किया। अंधक, हमें क्रोध मत दिलाओ, हमारे श्राप को निमंत्रण मत दो। आप मेरे गुरु हैं, यदि आप श्राप भी देंगे तो मैं गुरु का वरदान समझकर विनम्रता से स्वीकार करूंगा। विनम्रता? अंधकासुर, ये कौन सा पाठ पढ़कर आए हो तुम देवी गंगा से? क्रोध, घमंड और शक्ति का प्रदर्शन, यही असुरों के मूल गुण है। यही उनकी जगह विनम्रता। अंधकासुर, अब तुम वो सर्प हो जिसका फण तो है परंतु उसके डंक में विष नहीं है, और बिना विष के सांप सांप नहीं, केवल एक तुच्छ कीड़ा होता है। कीड़ा जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? जो गंगा मैया की शरण में चला जाता है, जिसे गंगा मैया की सुरक्षा प्राप्त हो, उसे किसी रक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं असुरों को यही समझाने आया हूं कि सुरक्षा शक्ति में नहीं, भक्ति में है। मैं गंगा से असुरों के लिए भक्ति का अमृत लेकर आया हूं। अंधकासुर, तुम भक्ति में अंधे हो गए हो, और भक्ति के इस अंधकार में दूसरे असुरों को भी भटकाना चाहते हो। तुम्हें तो असुर लोक में आने भी नहीं देना चाहिए। तुम दूसरे असुरों की प्रवृत्ति को भी दूषित कर दोगे। दूषित नहीं, बल्कि भक्ति के अमृत से असुरों की दूषित आत्मा को धोकर पवित्र कर दूंगा। अरे, ये तो बावला हो गया है। असुर लोक में भक्ति का रोग फैलाना चाहता है। अंधकासुर,
मन में तो आता है कि तुम्हें श्राप देकर प्रलय आने तक स्तब्ध कर दूं, परंतु तुम तो मेरे श्राप देने के योग्य भी नहीं रहे, इसलिए तुम स्वयं अपनी इच्छा से यह राज मुकुट मेरे हवाले कर दो और जिस गंगा की भक्ति का रोग अपने साथ लेकर आए हो ना, उसे लेकर असुर रोग से निकल जाओ, निकल जाओ। कमाल कर दिया, अंधकासुर ने न केवल राजपाट ही छोड़ दिया है बल्कि असुर लोक जो उसका देश है उसे भी त्याग दिया है। कितना महान त्याग है ये। हाँ उमा, भक्ति की कसौटी त्याग ही तो होती है, और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि असुर जाति अंधकासुर को असुर लोक में रहने नहीं देगी। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। अंधकासुर तो राजपाट छोड़कर चला गया, परंतु असुरों का यह मुकुट अब किसके सर पर रखना चाहिए? मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उसी को देख रहा था जिसके शीश पर यह मुकुट रखा जाना चाहिए। कौन है वो? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप? हिरण्यकश्यप? हिरण्यकश्यप।